लाइव नाउ होपफुली आई एम लाइव इजंट इट बिकॉज आई कैन सी माई सेल्फ एंड आई सपोज यू ऑल्सो कैन सी मी इजंट इट दैट इज अपोजिट ऑफ जॉन सीनाज डायलॉग यू कांट सी मी ओके सो नाउ डू शेयर इट वंस एवरी वन जो भी आप लोग यहाँ पर हो एक बार सेशन को जरा शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में भी जिससे बाकी लोग भी हमें हमारे सेशन में ज्वाइन कर सके ठीक है सो फटाफट से भी शेयर कर दो अब हम अपनी सेशन की तरफ चलते हैं ठीक है किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी वन सेकेंड पीपल हाँ शुरू करते हैं एंड एज यू ऑल नो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिविजन करेंगे जो हम लोग हफ्ते में पढ़ते हैं उसकी हम आज सिर्फ रिविजन करते हैं हालांकि इस बारी तो इस हफ्ते में हम लोगों ने जो है 3 दिन क्लास नहीं करी है स्टिल अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिविजन ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ MCQs अटेम्प्ट करते हैं अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन माई 10 PM करंट अफेयर्स 10 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होती है आप उसमें मुझे ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए इस सेशन में मैं आपको फिर से बताती हूँ हम सिर्फ और सिर्फ MCQs करते हैं ठीक है नाउ सी हियर दिस इज़ द बैंकिंग सुपर एलीट कोर्स ये ऑलिव बोर्ड आपको ऑफर करता है बैंकिंग सुपर एलीट कोर्स इसमें जितने भी हमारे वहाँ पे अपकमिंग कोर्सेज होते हैं बैंक और इंश्योरेंस के प्लस जितनी भी टेस्ट सीरीज है सब कुछ इंक्लूडेड होता है अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है यू कैन बाय इट यूज कूपन कोड SUSHMIT फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट इसके अलावा देख सकते हो आप यहाँ पर हाँ इसके अलावा आप ये देख सकते हो IBPS क्लर्क बैच ये आपकी लाइव है जो भी इंटरेस्टेड है वो इसे ज्वाइन कर सकता है अपार्ट फ्रॉम दैट सी हियर दिस इज द IBPS RRBPO क्लर्क बैच आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो प्री का है फिर आपका ये मेंस के लिए आ जाएगा और साथ ही साथ में ये आप लोगों का गोल्ड बैच है गोल्ड बैच आप लोगों की दोनों लैंग्वेजेस में है बायलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम जो भी इंटरेस्टेड है इसे क्या कर सकता है ज्वाइन कर सकता है रिमेंबर टू यूज द कूपन कोड SUSHMITA वाइल मेकिंग एनी परचेज इससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म पर ओके नाउ अब हम लोग अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं और अपने सेशन को शुरू करते हैं साउंड इज वेरी लो अभी सही है साउंड इज इट ओके नाउ ओके जो भी लोग अपने अपने डिवाइस का वॉइस थोड़ा बढ़ा लो सुनाई नहीं दे रहा ऐसा क्या चल रहा है क्या बात कर रहा हूँ मुझे बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा है अपने अपने वॉइस अपने अपने डिवाइसेस का वॉइस थोड़ा बढ़ाओ बिकॉज मेरे पे बिल्कुल क्लियर है मतलब बिल्कुल ही क्लियर है वॉइस ओके सबसे पहला क्वेश्चन देखो विच ग्रुप ऑफ प्राइवेट बैंक्स हैज बीन सिलेक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू इट फॉर ओवरसीज प्रोक्योरमेंट ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर साउथ इंडियन HDFC एक्सिस HDFC ICICI इंडसइंड HDFC ICICI एक्सिस ICICI, HDFC, IDBI और IDFC, ICICI और Axis. The answer will be yes. The answer here will be I'm getting the correct answers from everyone approx. The answer here is what? See, अभी जो Ministry of Defence है इन्होंने किसको किसको appoint किया है? HDFC, ICICI and Axis. So the answer will be these three banks. इन्हें जो है इन्होंने अभी चूज किया है कि ये लोग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ताकि जो भी ओवरसीज प्रोक्योरमेंट करने होंगे मिलिट्री हार्डवेयर की वो ये कर सकेंगे ठीक है इसको याद रख के रहिएगा प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है खरीदना होता है तो अगर कुछ खरीदना है उसको क्या कर सकेंगे उसको खरीद सकेंगे आराम से फॉर वन ईयर ऑन कंकरेंट बेसिस द सिलेक्टेड बैंक्स मे बी एलोकेटेड विद LC बिजनेस ऑफ ₹2000 crore ईच ऑन द कैपिटल एंड रेवेन्यू साइड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो रिमेंबर हमारे वहाँ पे जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है यही प्रोक्योरमेंट के सारे जो है डिसीजंस लेती है और इसकी चेयरमैनशिप करते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री इन्होंने कहा है कि इस बार मिलिट्री इक्विपमेंट जिसकी कीमत होगी लगभग 76,000 crore इसको खरीदा जाएगा अपने देश में बनी हुई सामान को ठीक है ये भी ध्यान आप लोग रखे रहिएगा नाउ मूविंग टू नेक्स्ट अगेन मोहम्मद बारकिंदो हु हैज पास्ड अवे वाज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन OAPEC OECD आशियान OIC और OPEC गेटिंग द आंसर्स एज व्हाट ओके सो हियर आई एम गेटिंग द आंसर्स एज OPEC ग्रेट देखो दोस्तों अगर हम बातें कर लेते हैं किसकी मोहम्मद बारकिंदो जी को तो ये देखो नाइजेरियन थे और ये सेक्रेटरी जनरल थे किसकी OPEC के ठीक है इनकी जो डेथ हुई है ये 63 इयर्स में हुई है इनका सेकेंड टर्म जो OPEC का था ये खत्म होने वाला था 31st ऑफ जुलाई 2022 बट बीच में ही ये चल बसे हैं
ठीक है। इसके अलावा ये भी आप लोग याद रख रहिएगा, इन्होंने इस पोस्ट को 6 ईयर्स तक क्या किया था, इस पोस्ट पर थे। अगर हम बात कर लेते हैं ओपेक होता क्या, तो देखो ओपेक एक्चुअली बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है एंड इट इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ओपेक आप लोगों का क्या हो जाता है, ये आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होती है, ठीक है। कहाँ पर इसका हेड ऑफिस होता है बच्चों, इसका हेड ऑफिस होता है वियना ऑस्ट्रिया के अंदर, ओके। कब इनकी स्थापना की गई थी, कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, दैट वॉज डन इन व्हेन 1960, और स्थापना इनकी हुई थी इराक के अंदर, पर हेड ऑफिस कहाँ पर होता है, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। इसको आप लोग याद रखे रहना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट अगेन, अच्छा कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, ओपेक के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, एनीवन हु कैन आंसर। कुछ दिन 2 साल पहले किसी ने छोड़ा था, थर्टीन, ठीक है। अब बस तुम लोग एक चीज आज फाइंड करना कि 2020 लगभग में किसने इसे छोड़ा था, एक कंट्री ने छोड़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी हैज लॉन्च मिशन कुशल कर्मी प्रोग्राम टू अपस्किल द लेबरर थ्रू अ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कोर्स, किसने अभी भी लॉन्च किया है कुशल कर्मी प्रोग्राम। ओके वेरी गुड, ये करने वाले कौन है, ये करने वाले आपकी दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया मिशन कुशल कर्मी, एक प्रोग्राम है जिससे ये स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कोर्स देंगे लेबरर्स वगैरह को, ठीक है। गवर्नमेंट इसके लिए कंपनसेट करेगा लॉस ऑफ वर्क बाय प्रोवाइडिंग 4200 टू दोज वर्कर्स हु टेक द कोर्स, 15-day प्रोग्राम। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है जो आप लोग देख सकते हो, बिकॉज ये उनको कंपनसेट भी कर रही है अगर उनका कोई लॉस होता हो तो। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और भी बात बच्चों याद रखे रहो आप सभी लोग, न्यू दिल्ली में जो बच्चे हैं जो उनके जीरो पीरियड्स होते हैं स्कूल गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उनके लिए क्या नया चीज़ लेकर के आएंगे लोग, हॉबी हब्स, ठीक है। तो इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होना, हॉबी हब्स स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए है, जहाँ पे उनको अलग अलग चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी, आप लोग कह सकते हो फैसिलिटी की जाएगी, क्लास प्रोवाइड की जाएगी उन लोगों को, ठीक है। ये आप लोगों का क्या, ये कुशल कर्मी है और ये लेबरर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, कि उन्हें अपस्किल किया जा सके, ओके। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट अगेन, Which company has announced the launch of a startup school India as part of its startup initiative? बताओ भाई सभी, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कौन सी कंपनी ने स्टार्टअप इनिशिएटिव अभी भी शुरू किया है। तो ये लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्टअप स्कूल के थ्रू जो भी स्टार्टअप्स हैं अपने देश में, लगभग 10,000 स्टार्टअप्स को जो है इसमें चूज किया जाएगा और उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। ये शुरू करने वाला आपका गूगल है, कौन है, गूगल। इसके अलावा गूगल ने तेलंगाना के साथ एक MOU साइन किया है कि यहाँ पे ये डिजिटाइजेशन लाएगा, और गूगल ने ये भी कहा था कि ये $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगा हमारे देश में एयरटेल के अंदर। तो ये दो और इंपॉर्टेंट खबरें हैं गूगल की जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट अगेन, द फर्स्ट फ्लोटिंग टर्मिनल ऑफ इंडिया फॉर LNG इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, सौराष्ट्र, जयगढ़, कोची, हल्दिया और मोरमुगांव, व्हाट इज द आंसर। एक सेकेंड बच्चों, बस एक सेकेंड रुके रहना सभी, जस्ट सेकेंड, कीप ऑन आंसरिंग। बेटर, देखो आपसे यहाँ पे पूछे गए जा रहा, आपसे पूछे जा रहा है पहला फ्लोटिंग टर्मिनल ऑफ इंडिया, देखो पहला फ्लोटिंग टर्मिनल जो है भारत का LNG के लिए, ये जयगढ़ महाराष्ट्र में आने वाला है, और कहा गया है कि ये ऑपरेशनल हो जाएगा इस बार की सेकेंड हाफ 2022 की सेकेंड हाफ से, ठीक है। खैर, फ्लोटिंग स्टोरेज और रिगैसिफिकेशन यूनिट, ये लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा न्यूज में अगर आप लोगों ने देखा हो तो, ठीक है, ऑफ HNRG गेटवे एट जयगढ़ एंड द स्वान एनर्जी लेट टर्मिनल एट जाफराबाद आर क्यूमुलेटिवली एक्सपेक्टेड टू एड 11 मिलियन टन पर एनम ऑफ रिगैसिफिकेशन कैपेसिटी। 6th LNG इम्पोर्ट टर्मिनल वॉज मुंद्रा LNG इन 2020, ठीक है। तो ये जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या खास है, ये आप लोग का फ्लोटिंग टर्मिनल होगा LNG के लिए, कहाँ पर आएगा, जयगढ़ महाराष्ट्र के अंदर ये आएगा, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट अगेन, Which of the following railway companies will become world's first intermodal partner of a Star Alliance to make the long journey of passengers comfortable? क्या आप लोग देख रहे हो, इनमें से कौन सी रेलवे कंपनी है जो कि पहली विश्व की इंटरमॉडल पार्टनर ऑफ स्टार अलायंस बनी है, जिससे जो लॉन्ग जर्नी पैसेंजर्स की वो कंफर्टेबल करने की कोशिश की जाएगी। ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो, इंडियन रेलवे, फ्लिक्स ट्रेन, स्विस फेडरल रेलवे, ट्रेन लाइन या ड्यूश पैन, व्हाट इज द आंसर। I am getting the answers as Douche and also I am getting the answers as what? A, that is Indian Railway. हैं ये कहाँ से हो गया, देखो
ड्यूज बैन इज रेडी टू बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट इंटरमोडल पार्टनर ऑफ स्टार अलायंस. ठीक है, तो ये स्टार अलायंस की एक इंटरमोडल पार्टनर बनेगी और इस पार्टनरशिप के अंदर जो भी पैसेंजर्स होंगे उनके लिए थोड़ी जर्नी ईजी की जाएगी. ओके, तो बस आपको ये याद रखना होगा कि कौन कौन सी कंपनीज इसमें शामिल है. एक ड्यूज बैन है और दूसरी स्टार अलायंस है. ये भी ध्यान दीजिएगा, जर्मनी इज द फर्स्ट मार्केट एंड डीबी इज वर्ल्ड फर्स्ट पार्टनर इन द न्यू स्टार अलायंस इनिशिएटिव. हाँ भी, नेक्स्ट देखो, शिंजो एबे हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. साउथ कोरिया, जापान, साउथ अफ्रीका, म्यांमार और कंबोडिया. इजीएस्ट दैट वी कैन सी हियर टुडे, यस, द आंसर विल बी व्हाट, जापान. ही वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान. करेंटली योशिहिदे सुगा इज द प्राइम मिनिस्टर हियर. अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज ऑल्सो बीन गिवन नॉट द टाइटल बट द अवार्ड ऑफ पद्म विभूषण. इन्हें 2020 लगभग में पद्म विभूषण भी दिया गया था. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी वजह से जापान भी काफी प्रोग्रेस किया था, प्लस इंडिया और जापान के रिलेशन भी काफी प्रोग्रेस किए थे. ठीक है, खैर ये देखो, ही वॉज द फर्स्ट जापानीज पीएम टू बी चीफ गेस्ट एट इंडियाज रिपब्लिक डे परेड इन 2014. Who among the following has been appointed as new president of JK Tyre? Anush Kanthuria, Raghupati Singhania, Anshuman Singhania, Sudhanshu Pathak or Namrata Gupta? What is the answer? Okay. हाँ, तो यहाँ से पूछा क्या गया है? इनमें से जो जेके टायर है इसके कौन अभी अभी प्रेसिडेंट बनाए गए. ठीक है, तो देखो जेके टायर ने अनुज कठुरिया को अपॉइंट किया आपने वहाँ का नया प्रेसिडेंट. याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन हम यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर रघुपति सिंघानिया. ये यहाँ के क्या है, चेयरमैन है. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल बोर्ड्स हैज लॉन्च्ड अ परीक्षा संगम पोर्टल टू कनेक्ट स्टूडेंट्स स्कूल रीजनल ऑफिसेस एंड बोर्ड हेडक्वार्टर. ठीक है, तो ये लोग इसमें क्या करने वाले हैं. हाँ, ये लोग बेसिकली एक परीक्षा संगम पोर्टल शुरू किए हैं जिसमें ये लोग तीन अलग अलग ऑफिसेस को कनेक्ट करेंगे और स्टूडेंट्स को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी. बेसिक ये बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए इसको लॉन्च करने वाला आप लोगों का सीबीएसई है. तीन अलग अलग यमुना गंगा सरस्वती करके इनके पोर्टल्स होंगे जहाँ पे सारी ऑफिसेस की डिटेल्स इन्हें मिलेंगे अगर कोई भी नई नोटिफिकेशन आएगी. इसको शुरू किया गया है सीबीएसई के द्वारा और ये हेल्पफुल होगा उनके लिए जो कि 10 और 12 अभी बोर्ड एग्जाम्स में जा रहे हैं. ओके, यस, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज साइंड एन एमओयू विद इंडियन एयरफोर्स फॉर रक्षक प्लस स्कीम दैट कवर्स पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ऑफ रिटायर्ड एंड ट्रेनीज. ठीक है, क्या आपसे पूछा जा रहा है, कौन से बैंक ने एमओयू साइन किया है इंडियन एयरफोर्स के साथ में रक्षक प्लस स्कीम के लिए. ऑप्शन हमें देख रहे हैं, यस द आंसर हियर विल बी व्हाट, पीएनबी. ठीक है, पीएनबी ने अभी देखो आपको यहाँ पे क्या याद रखना होगा, रक्षक प्लस. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसे पार सैल्यूट अगर आ जाता है तो हमें एक्सिस बैंक याद रखना चाहिए. ठीक है, तो जितने भी ऐसे बैंक्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये आर्म फोर्सेस के साथ में मिलकर के एमओयू साइन करते हैं जिसमें ये उन्हें अपनी बैंकिंग सुविधा देने का वादा करते हैं ताकि जो भी इनसे रिलेटेड अगर कोई इंश्योरेंस है, कोई नई बैंकिंग, कोई कस्टमाइज सर्विस है तो ये इन्हें ऑफर करेंगे. बैंक का इससे बेस अच्छा होता है और जो भी डिफेंस पर्सनल्स होते हैं उन्हें और अच्छी सुविधा मिलती है बैंकिंग की. तो इसमें पीएनबी हो गया, बीयूबी हो गया, एसबीआई, कोटेक, एक्सिस, ये सभी साइन करते हैं. फिलहाल में न्यूज़ में दो थे, एक पीएनबी था और दूसरा एक्सिस था, दोनों ने एयरफोर्स के साथ में एमओयू साइन किया है. अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं रक्षक प्लस, ये पीएनबी का होता है. ठीक है, खैर, क्या पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा इन्हें 50 लाख का. ओके, ये सब पॉइंट्स आप लोग भी देख लेना, आगे आपके सामने सब लिखा है. HDFC ने अभी अभी Salesforce के साथ में मिलकर के बैकएंड और फ्रंट एंड टेक्निक टुगेदर सही करने को कहा है. फिलहाल में अगर हम बात करें Salesforce इंडिया की तो इसके CEO कौन है, ऑप्शंस देखो और आंसर करो. ओके, GDP की लिस्ट में प्रोवाइड करा दूंगी, एक बार ही मुझे ग्रुप पे भी रिमाइंड कर देना, वहां पे मैं प्रोवाइड करा दूंगी. ठीक है, चलो, यहाँ आपसे क्वेश्चन में किस बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि HDFC ने अभी अभी Salesforce के साथ में मिलकर के कहा है बैकएंड और फ्रंट एंड टेक्निक जो है इस पे ये लोग साथ में बेहतर वर्क करेंगे. पूछा गया क्वेश्चन में कि Salesforce के CEO कौन होते हैं, अगर हम लोग बात करें, हाँ भाई, इस CEO ऑफ Salesforce इज अरुंधति भट्टाचार्य. क्यों इन्हें याद रखना जरूरी है, पहले SBI की भी चीफ पर्सन थी. ठीक है, Who has been reappointed as the managing director and CEO of Manappuram Finance for 2 years? बताइएगा, Manappuram Finance की जो अभी नए MD CEO ये कौन है? बताते चलो फटाफट. हाँ, देखो,
मणप्पुरम फाइनेंस, हम सभी को पता है गोल्ड लोन की अगर हम बात करें तो मणप्पुरम और मुथूट ये हम लोग के देश में सबसे बड़े एनबीएफसीज होते हैं गोल्ड लोन सेक्टर्स में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रीअपॉइंट कर लिया अपने वहाँ पे एमडी सीईओ, कौन थे, नंद कुमार, इन्हें अपने वहाँ पे इन्होंने रीअपॉइंट कर लिया अपनी कंपनी का सीईओ 27 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2024 तक यही यहाँ पे पोस्ट, इस पोस्ट पे सर्व करने वाले हैं, ठीक है। अब जरा एक और भी बात आप लोग देखिएगा सभी, कि अगर हम बात करते हैं मणप्पुरम या मुथूट, इन दोनों मतलब इन दोनों में एक जो चीज़ है, ये दोनों ही एनबीएफसीज होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा गोल्ड लोन का एनबीएफसी अपने देश में कौन सा है, याद रखिएगा मुथूट होता है, ठीक है। मुथूट अपने देश का सबसे बड़ा गोल्ड लोन एनबीएफसी होता है, और ये कहां पर स्थित होता है, ये होता है कोची के अंदर, ठीक है। क्या आप में से कोई ऐसा है जो मुझे बता सके कि मणप्पुरम इसका जो आपका हेड ऑफिस होता है ये कहां पर होता है? यस, माय क्वेश्चन इज व्हाट, मणप्पुरम गोल्ड लोन इसका हेड ऑफिस कहां पर होता है? हाँ, इसका तो कोची में होता है। अगर आप लोग कहोगे इसका भी केरल में होता है, तो ये भी बताना कि इनका केरल में आखिर कहाँ होता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट अगेन, ओके चलो हम लोग अगली खबर पे चलते हैं। Which of the following bank has collaborated with Forest Wildlife Department of Kerala to enable digital collection of payment at ecotourism centers? Yes, मुझे लगा SBI करो, SBI नहीं SIB होगा, South Indian Bank। देखो वनश्री करके एक वो होती है, एक ब्रांड होती है जहाँ पे जो केरल वाइल्ड लाइफ वगैरह होती है, केरल वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो होती है यहाँ की, वो क्या करती है, जो भी यहाँ आसपास फॉरेस्ट रिसोर्सेज से जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको ये लोग बेचते हैं वहाँ पे टूरिज्म सेंटर पे, या फिर ऑनलाइन भी मिलता है, ठीक है। तो वहाँ जो पेमेंट होता है ऑनलाइन पेमेंट, उसके लिए उन्हें असिस्ट करने के लिए साउथ इंडियन बैंक को अपॉइंट किया गया है कि अभी उन्हें असिस्ट करेगा उनकी ऑनलाइन पेमेंट में हेल्प करने में। ओके, सो द आंसर हियर विल बी व्हाट, द आंसर हियर विल बी साउथ इंडियन बैंक, याद रखिएगा। इनका हेड ऑफिस थ्रिसूर में होता है और सीईओ होते हैं एम रामाकृष्णन, सभी लोग इस बात को याद रखे रहना, ठीक है। वनश्री के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि वनश्री क्या है बेसिकली, तो याद रखिएगा ये शॉप्स होती हैं जहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ या आप लोग कह सकते हो फॉरेस्ट कम्युनिटी जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसको बेचा जाता है, ठीक है। नेम द इंडियन अमेरिकन वुमेन हु हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन 2022 8th एडिशन ऑफ फोर्ब्स, ठीक है। तो कौन सी ऐसी इंडियन अमेरिकन ओरिजिन की महिला है जिनका नाम नहीं है फोर्ब्स की 8th एडिशन अमेरिकाज रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन के अंदर, बताइएगा। ओके, आई एम गेटिंग द आंसर्स एज जयश्री वी उल्लाल, और कुछ लोग लीना नायर भी दे रहे हैं। देखो देखो कौन कौन है, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें जयश्री वी उल्लाल की, हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है। द प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ अरिस्टा नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्किंग फॉर्म हैज बीन नेम्ड ऑन द 8th एडिशन ऑफ फोर्ब्स लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहला ऑप्शन दिख रहा है जयश्री वी उल्लाल, ये तो है, ठीक है। अगला देखो, इनके अलावा और कौन कौन है, नीरजा सेठी, नेहा नारकंडे, ठीक है। इधर आके देखिए, नीरजा सेठी, नेहा नारकंडे, ठीक है। अगला हम लोग और देख लें और कौन है, इंदिरा नूई है, ये तो बहुत ऑब्वियस था, और रेशमा सेठी है। अब अगर हम लोग पीछे चल के देखें तो इंदिरा नूई भी हैं, ये चारों लोग तो हैं लेकिन ये नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, लीना नायर। अच्छा, इनकी जगह पे कौन है, यहाँ हम देख सकते हैं रेशमा शेट्टी, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ हर इट इज मिस रेशमा शेट्टी हु हैज बीन इंक्लूडेड, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, लीना नायर हैज नॉट बीन इंक्लूडेड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट अगेन, Which of the following FMCG companies has become the official promoter of Everity Industries after acquiring 38.38% of Everity Industries? बताइएगा, इनमें से कौन सी FMCG कंपनी है जो official promoter बन गई है? इस बात को सभी याद रखिएगा, promoter का sense क्या होता है? Promoter का यहाँ पे sense होता है जो उसे उसमें अपने maximum invest करके और उस कंपनी को run करता हो, ठीक है। तो अभी आपसे पूछा गया कि फिलहाल में कौन बन गया इनका official promoter, Dabur India, ठीक है। Dabur India promoter Burman family has now become official promoter of Everity Industries, तो इसका आंसर क्या होगा, Dabur Reddy, जो इन्वेस्टमेंट फॉर्म है इन्होंने अक्वायर किया 14.55% शेयर इसके अंदर, इसके पहले इन्होंने 23.83 ऑलरेडी अक्वायर कर रखा था। दोनों को आप ऐड ऑन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 38 point something, ठीक है। तो ये इन्होंने 38.38% शेयर यहाँ का अक्वायर कर लिया है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट अगेन, नेम द फर्स्ट ALH स्क्वाड्रन दैट हैज बीन कमीशन बाय इंडियन नेवी एट INS देगा विशाखापट्टनम। क्या आपसे पूछा गया है, पहला ALH स्क्वाड्रन जिसको कमीशन किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा
कहाँ पर आईएनएस देगा? विशाखापट्टनम में. आई एम गेटिंग द आंसर्स एज व्हाट, आईएनएस 3-4. मुझे ये आंसर्स लगभग सभी के मिल रहा है. एनीवन एल्स? सभी एक ही आंसर कर रहे हो, ग्रेट. देखिएगा जरा सभी. इंडियन नेवी ने कमीशन किया है इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 3-4. कहाँ पे इसको किया गया? आईएनएस विशाखापट्टनम पे. ये पहला ऐसा नेवल स्क्वाड्रन ईस्टर्न सी बोर्ड ऑपरेटिंग इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड बिल्ट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर Mark 3 हेलीकॉप्टर्स. इंडिजीनियसली डिजाइन का मतलब मैंने आपको कई बार बता रखा है. इंडिजीनियसली डिजाइन का मतलब होता है अपने देश में बना हुआ. तो ये पहला ऐसा नेवल स्क्वाड्रन है, स्क्वाड्रन एक टीम होता है जो ईस्टर्न सी बोर्ड पे जो कि ऑपरेट करता है अपने वहाँ पे बनाए हुए ALH हेलीकॉप्टर्स को, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. दिस हैज बीन नेम्ड एज केस्ट्रल्स आफ्टर अ बर्ड स्पीसीज दैट हैज गुड सेंसरी कैपेबिलिटीज. ठीक है, तो इसका नाम जो स्क्वाड्रन है इसको क्या नाम दिया गया है? केस्ट्रल्स नाम दिया गया है. अगर आप कभी कन्फ्यूज होते हो स्क्वाड्रन होता क्या है, स्क्वाड्रन एक टीम होती है. ठीक है, आप लोग पोस्ट सुनते होंगे स्क्वाड्रन लीडर्स वगैरह, तो वो एक पर्टिकुलर टीम होती है. ठीक है, नोवाक जोकोविच हैज वन हिज 7th विंबलडन टाइटल एंड 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल आफ्टर डिफीटिंग होम. बताइएगा ओके. अब जैसे हम यहां देख सकते हैं, हमसे पूछा गया नोवाक जोकोविच को अभी अभी उनका 7th विंबलडन टाइटल और 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल मिला है. इन्होंने किसको हराया है, उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है. और मुझे आंसर्स मिल रहे हैं डी, विच इज निक क्राइगोस. ठीक है, देखो सभी, सर्बियन टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच कहाँ गई, हाँ, हैज क्लिंच द विंबलडन 2022 टाइटल आफ्टर डिफीटिंग ऑस्ट्रेलियन निक क्राइगियोस. इनको भी आप ये भी याद रखे रहना जरा कि ये कौन सी कंट्री के, अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, खैर, ही बिकेम 4th प्लेयर इन द ओपन एरा आफ्टर रॉजर फेडरर, पीट सैम्परस, जॉन बोग, हु हैज वन 4 टाइटल्स इन अ रो. इट इज द 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल ऑफ जोकोविक एंड मिस्टर नोवाक जोकोविक. ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? ही बिलोंग्स टू सर्बिया. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कजाकिस्तान टेनिस प्लेयर एलिना रैबिकिना हैज क्लिंच द वुमेन सिंगल टाइटल. Which of the following ministry has signed MOU with Ministry of Health with an aim to eliminate TB in India by 2025? Okay, I'm getting the answers as what? As A, देखो, Union Health Ministry and Panchayati Raj Ministry have signed an MOU to eliminate TB in India by 2025. It was signed by Dr. Bijaya Kumar Behera. He is the economic advisor on behalf of Ministry of Panchayati Raj. ठीक है, and Dr. P. Ashok Babu, Joint Secretary on behalf of Ministry of Health. तो ये लोग मिलकर के क्या इसे किए, साइन किए. याद रखिएगा कौन कौन करने वाले हैं ये. ये आप लोगों की पंचायती राज मिनिस्ट्री करने वाले हैं किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ में. कब तक एलिमिनेट करने का इनका एम है? इनका एम है टीबी को एलिमिनेट करना 2025. अगर मलेरिया बोल दे आपसे तो याद रखिएगा मलेरिया का इनका एम है 2030 का. ठीक है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है इन्हें 25% तक खत्म करने का इनका एम होता है 2025 तक का. ठीक है, द ड्यू ऑफ अभिषेक वर्मा एंड ज्योति सुरेखा हैव वन द ब्रॉन्ज मेडल एट 11th एडिशन ऑफ वर्ल्ड गेम्स. बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? ठीक है, तो अभी अभी वर्ल्ड गेम्स के 11th एडिशन में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं. कौन से खेल खेलते हैं ये लोग, अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा? व्हाट इज द आंसर? ओके ग्रेट, देखो अगर हम बात करते हैं ये लोग आर्चरी को रिलेट करते हैं और अभी अभी ये लोग क्या किए, अभी अभी ये ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं अपने 11th एडिशन. अच्छा, वर्ल्ड गेम्स कहाँ पर हो रहा है बच्चों? वर्ल्ड गेम्स आप लोगों का बर्मिंघम USA में हो रहा है. सिमिलरली याद रखिएगा बर्मिंघम UK में कॉमनवेल्थ हो रहा है. इन दोनों में कन्फ्यूजन में मत आना. ठीक है, जोस एडुआर्डो डॉस सेंटोस हु पास्ड अवे वाज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ठीक है, तो बेसिकली जोस सेंटोस ये कौन से देश के पूर्व रह चुके प्रेसिडेंट थे? मुझे आंसर्स मिल रहे हैं क्या? अंगोला, 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 ग्रेट. देखो, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अंगोला जोस एडुआर्डो डॉस सेंटोस हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 79. अगर आपसे पूछा जाता है कि अभी फिलहाल में हम अंगोला की बात करें, अभी कौन है यहाँ का प्रेसिडेंट, क्या कोई ऐसा है जो मुझे बताए? हाँ, अंगोला एक अफ्रीकन कंट्री होती है, विच इज इन बट ऑब्वियस थिंग, एनीवन हु कैन टेल मी. खैर, एक और भी बात याद रखे रहना, यहाँ की कैपिटल क्या होती है? यहाँ की कैपिटल होती है लुआंडा. ठीक है, ये इनकी क्या हो जाती है? कैपिटल हो जाती है. और अगर आपसे कोई करेंसी बोलता है तो वो भी याद रखे रहना, क्वांजा. ठीक है, तो लुआंडा क्वांजा ये अंगोला का हो जाता है. मैंने आपसे पूछा कि अभी फिलहाल में यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम भी क्या? इनका नाम जोआयो करके है, वो याद रखे रहिएगा, जोआयो लॉरेंस. ठीक है, LAURENCO. ठीक है, तो ये यहाँ के अभी फिलहाल में प्रेसिडेंट है, याद रखना. क्योंकि यहाँ जो भी आप करेंसी और कैपिटल देख रहे हो ये दोनों ही थोड़े डिफरेंट नेम है, इसलिए याद रखना ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है आप सभी को. ओके, नाउ इंडिया बिकेम 68th कंट्री टू ज्वाइन इंटरपोल्स इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नोडल एजेंसी ऑफ इंडिया फॉर इंटरपोल?
ओके तो मुझे आंसर्स मिल रहे हैं। देखो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सीबीआई। ठीक है, सीबीआई हमारे वहाँ पे नोडल एजेंसी होती है बेसिकली। ये क्या अभी हुआ है, अभी इन लोगों ने बताया कि 68 कंट्री ऐसी इंडिया है जो कि इंटरपोल की ICSE दैट इज इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस को जो है ज्वाइन कर लिया। अब इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, जो भी लिंक होगा विक्टिम अब्यूजर क्राइम सीन में उसको लिंक करके और जहाँ भी ये सब क्राइम हुआ है वहाँ तक पहुँचा जा सकता है आसानी से। ठीक है, CBI इंडिया की नोडल एजेंसी होती है। अगर हम बात करते हैं इंटरपोल की, तो जो इंटरपोल है इनका हेड ऑफिस कहाँ हो जाता है, लॉ इन फ्रांस के अंदर। ठीक है, क्या आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मुझे बता सके कि इंटरपोल में कितने सदस्य होते हैं, एनीवन हु कैन आंसर, यस इंटरपोल के अंदर कितने मेंबर्स हैं, ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है। अगर बता सको तो बताओ, खैर याद रख के लिएगा। अगर हम बात करते हैं इनका हेड ऑफिस हो जाता है कहाँ पर, लॉ इन फ्रांस। 1923 में इनकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी और फिलहाल में चेयरपर्सन कौन है, अहमद नसीर। ठीक है, हाँ मेरा आप सभी से क्वेश्चन क्या था कि इंटरपोल में कितने मेंबर्स हैं, दैट इज इट। मुझे आंसर्स मिल रहे हैं बहुत सारे, याद रखना दीज आर 195 मेंबर्स टोटल। ठीक है, अगला देखो, Who among the following ministries has launched a book titled Swadhinta Sangramna Shurviro to acknowledge the sacrifice of freedom fighters of India? ठीक है, तो basically जो किताब है Swadhinta Sangramna Shurviro, इसमें 75 freedom fighters की sacrifice बताई जाएगी। इसको launch किसके द्वारा अभी किया गया? The answer here is what? Very good. जो आपके Minister of State for Tourism है मीनाक्षी लेखी, इन्होंने इसको launch किया। So the answer here will be मीनाक्षी लेखी। Which of the following edition of National Games will be organized by Gujarat from 27 September to from 27 September 2020 to 34, 35, 36, 37, 38? What is the answer? Very good. देखो, जो Chief Minister of Gujarat है भूपेंद्र पटेल, इन्होंने announce किया कि जो गुजरात है ये host करेगा 36th National Games 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक के बीच में। ठीक है, अब याद रखे रहेगा, इट इज़ बीइंग हेल्ड आफ्टर अ गैप ऑफ 7 ईयर्स, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके पहले जो हुआ था ये 2015 केरल के अंदर हुआ था। ठीक है, इसके साथ में ये भी आप याद रखे रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ये लॉन्च किए हैं खेल महाकुंभ इनिशिएटिव गुजरात में 2010 में, जब वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स लिंक्ड और इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि चूंकि ये आपका 7 साल के बाद हो रहा है तो इम्पॉर्टेंट है, क्या है ये आपका नेशनल गेम है, कौन सा एडिशन है 36 है, कहाँ पर हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, किन्होंने खेल महाकुंभ लॉन्च किया था, नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था इसे, 2010 गुजरात में लॉन्च किया था, जब वो वहाँ पे क्या हुआ करते थे, जब वो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे। जो नेशनल गेम्स है इसमें 34 स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं जिसमें इंक्लूड करते हैं एथलेटिक्स, हॉकी, बाकी सारे गेम्स को भी। ठीक है, Which of the following aerospace companies has signed an agreement with HAL to create a new joint venture intended to develop helicopter engines? Yeah, so the answer will be what? Options आप यहाँ देख सकते हो, Rolls Royce, G Aviation, CFM International, Continental Aerospace या Safran Helicopter। मुझे आंसर क्या मिल रहा है, E। देखो, Safran Helicopter Engine, इन्होंने एक agreement sign किया है HAL के साथ में कि नया एक joint venture शुरू करेंगे जिससे helicopter engines को ये क्या करेंगे, develop करेंगे। क्या आप में से कोई भी ऐसा है जो मुझे बता सकता है कि क्या हम इसे FDI कहेंगे या नहीं कहेंगे? Can we say it is an FDI or not? ठीक है, खैर इस MOU को साइन किया गया है आर माधवन जो कि HAL के CMD होते हैं और फ्रैंक सॉर्डो जो कि Safran के CEO होते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट एन FDI। FDI में joint venture नहीं हो सकता। Are you people sure about it? Which of the following state has received in principle approval from central government for $300 million school education project funded by World Bank for 5 years? झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश या गुजरात? सॉरी दोस्तों, हम लोग कहीं और आ गए। देखो, आपसे पूछा जा रहा था, मैं एक्चुअली एक क्वेश्चन चेक कर रही थी, वो क्वेश्चन है अभी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर $300 million स्कूल एजुकेशन प्रोजेक्ट
फंडेड बाई वर्ल्ड बैंक फॉर 5 ईयर्स, तो ये छत्तीसगढ़ को दिया गया है, ठीक है। सिमिलरली आप लोग याद रखे रहेगा कि जो वर्ल्ड बैंक है और AIIB है, इन लोगों ने मिल करके गुजरात सरकार को 75, ठीक है, कितना 7500 करोड़ दिया था इनकी स्कूल एक्सेलेंस मिशन के लिए। तो इस पॉइंट को भी आप सभी ज़रा ध्यान रखे रहेगा, ठीक है, किसके लिए, स्कूल एक्सेलेंस मिशन के लिए। खैर इसकी बात हम करें तो इसका आंसर क्या था, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इन्हें एक इन प्रिंसिपल नॉन मिला सेंटर से $300 मिलियन स्कूल एजुकेशन प्रोजेक्ट का, जो कि फंड किया जा रहा है किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 5 साल का ये होगा, ठीक है, और द गवर्नमेंट हैज़ टू पे बैक दिस अमाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। वट इज द एम, टू बूस्ट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट अगेन, Which of the following ministries has launched Swanidhi Mahotsav from 9 to 31st of July 2022 to celebrate success of PM Swanidhi scheme? बताते चलो फटाफट, PM Swanidhi कब आया था बच्चों? PM Swanidhi आया था आप लोगों का 2020 में। किस मकसद से आया था? कि अपने वहाँ पे जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्हें 10,000 तक की जो है वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड की जाए। ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के अंडर ये आता ही है पूरा स्कीम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किन्होंने अभी अभी सेलिब्रेट किया है इनका सक्सेस, तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ही करेगी। द आंसर ये विल बी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। हु इज हैविंग द चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स? मिस्टर हरदीप सिंह पुरी, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या हो जाती है? लखनऊ, ठीक है। चलो, फ्रॉम राज्यसभा, बेसिकली उत्तर प्रदेश राज्यसभा को। नेम द इंडियन शूटर हु वन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल गोल्ड मेडल एट ISSF वर्ल्ड कप इन साउथ कोरिया। बताइएगा कौन से इंडियन शूटर है जिन्हें अभी मेंस 10 मीटर एयर राइफल का गोल्ड मेडल मिला है ISSF वर्ल्ड कप साउथ कोरिया के अंदर। ऑप्शंस देखो क्या क्या है, अर्जुन बाबूता, पार्थ मखीजा, दिव्यांश पनवार, सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा। द आंसर हियर इज, आई एम गेटिंग द आंसर्स एज व्हाट, ए दैट इज अर्जुन बाबूता। देखो, इंडियन शूटर अर्जुन बाबूता हैज वन हिज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट ISSF वर्ल्ड कप स्टेज एट चांगवाओ इन साउथ कोरिया। इन्होंने किसको पीछे किया है? लुकास कोजिंस्की को इन्होंने पीछे कर दिया है, ठीक है। हु वन द सिल्वर मेडल इन टोक्यो 2020। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट अगेन, अकॉर्डिंग टू 27th एडिशन ऑफ UN वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022, इंडिया विल सरपास विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023। इसमें तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, बट ऑब्वियस है किसको पीछे करके वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस हम बनेंगे। देखो, जैसे कि 27th एडिशन आई है UN वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 की, कहा गया है कि इंडिया जो है ये चाइना को पीछे करते हुए पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री बन जाएगी 2023 तक, ठीक है। विद 1426 मिलियन पॉपुलेशन, चाइना रिमेन्स द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड इन 2022। इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड 1412 मिलियन पॉपुलेशन। द ग्लोबल पॉपुलेशन विल रीच 8 बिलियन इन नवंबर 2022, विच इज 3 times ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 2.5 बिलियन इन 1950। सोचो जरा, PM Modi has unveiled 6.5 meter tall national emblem on top of new triangular parliament building which was created by Bimal Patel, Sunil Devre, Poonam Chaudhary, Manoj Sharma, Vijay Lokhande, Rahul Rajput, Sunil Devre, Lakshman Pyas, Prajakta Karkande और Reshma Ghatke। The answer will be, मुझे एक आंसर मिल रहा है DDD, सारे लोग मुझे ये आंसर करें। देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी अभी 6.5 meter लंबा नेशनल एम्बलम बनाया है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है उसके ऊपर, ठीक है। ये ब्रॉन्ज का बना है और इसका वेट है 9500 kg। इसके अलावा इस पर एक सपोर्टिंग स्टील स्ट्रक्चर है जिसका वेट है 6500 kg। जो एम्बलम है इसको क्रिएट किया गया था सुनील देवरे औरंगाबाद और लक्ष्मण व्यास जो कि जयपुर के हैं, ठीक है। ये भी ध्यान दीजिएगा इसके आर्किटेक्ट कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिमल पटेल HCP डिजाइन अहमदाबाद के, ये इसके आर्किटेक्ट है। ओके, BK Singhal has passed away who was known as father of what? Pink Revolution, English Poetry, Indian Internet, Indian Psychology या Indian Ecology? The answer here is, yes, the answer here will be what? Indian Internet, ठीक है। BK Singhal ये जो है पहले VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड के चीफ हुआ करते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इन्हें कहा जाता था कि ये फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट है, ऐसे इन्हें इन्हें इस टाइटल से बेस्टो किया गया था। अब जरा ये देखिएगा, इन्होंने अपनी मेमोरी लिखी थी टेलीकॉम मैन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन इंडियाज डिजिटल रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जरा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि किसके ऊपर है या ये किसकी मेमोरी है, ठीक है। ये भी आपके BK Singhal जी की मेमोरी है। नारायणन कुमार who has received the Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star Award from Government of Japan is a vice chairperson of which organization? Batayega. Yes. The answer here is what? Yes. Yahan aapse pucha gaya hai ki jo
गवर्नमेंट ऑफ जापान ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड और सिल्वर स्टार दिए इस बारी किसको? नारायणन कुमार जी को. ये कौन सी संस्था के चेयरपर्सन है? यस, देखो गवर्नमेंट ऑफ जापान हैज कॉन्फर्ड दिस. हु इज, कहाँ गई मेरी पेन? ये रही. ठीक है, तो गवर्नमेंट जापान जापान की जो है उन्होंने ये ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार दिया किसको? नारायणन कुमार को. ठीक है, सनमार ग्रुप वाइस चेयरमैन है ये. इन्हीं ऑनर मिला है जो भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा अभी तक स्ट्रेंथन करने में इकोनॉमिक रिलेशन जापान और इंडिया के बीच में. ये ऑनर किसके द्वारा इन्हें दिया गया? तागामासायुकी जो कि कंसल जनरल हैं जापान में. कहाँ? चेन्नई के अंदर. ठीक है, ध्यान रखे रहना. यहाँ पे आपसे ये तो हमने कर लिया, सनमार्ग ग्रुप के वाइस चेयरपर्सन हो जाते हैं. अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं भारतीय जिन्हें ये ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन दिया गया हुआ है. ठीक है, अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन कौन सी कंट्री बेस्टो करती है या पहली बार किसको दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो इसके बाद में आप लोग देखिएगा कि पहला ऐसा कौन सा व्यक्ति था भारत का जिसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन दिया गया था. बगल में एक बच्चा कॉन्टिन्यूस चिल्ला रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे तकलीफ हो रही है बहुत ज़्यादा. कॉन्टिन्यूस शाउटिंग आ रही है, बिल्कुल, मतलब उसकी तकलीफ सुन के अब मुझे भी तकलीफ हो रही है. बट ही इज़ नॉट माई किड आई सपोज. ओके, माई किड इज एट दैट साइड. एनीवे, सो इनका अपना अलग ही चलता है. देखो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया नया फंड ऑफर फोकस्ड इक्विटी फंड के लिए जो इन्वेस्ट करेगा 25 से 30 स्टॉक्स में. ऑप्शंस आपको एडलविस दिख रहा है, आदित्य बिरला, आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल, यूटीआई और कोटिक महिंद्रा. ये हमें ऑप्शंस दिख रहे हैं. द आंसर हियर इज व्हाट? मुझे सारे आंसर्स ए मिल रहे हैं. एडलविस, देखो इस समय एडलविस इंश्योरेंस हो गई, एडलविस एसेट मैनेजमेंट हो गई, ये लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं. ठीक है, फिलहाल में एडलविस एसेट मैनेजमेंट है जिन्होंने लॉन्च किया एक एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर. अच्छा, ये भी याद रख के रहना बच्चों, इसको हल्के में मत लेना, एनएफओ को भी देख लेना. एक बार एग्जाम में 2020 में बार बार एक वर्ड हाईलाइट हुआ करता था, एफओएफ, फंड ऑफ फंड, और ये एसबीआई मेंस में पूछा भी था एफओएफ क्या होता है. तो ये भी ध्यान दिए रहना, न्यू फंड ऑफर है ये. इन्होंने कहा है कि ये इसे लॉन्च कर रहे हैं एडलविस फोकस्ड इक्विटी फंड के लिए. ये 25 से 30 स्टॉक में जो है इसको इन्वेस्ट करेंगे, जिससे आप लोग बेसिकली देख सकते हो स्प्रेड अक्रॉस 3 की इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ ब्रांड्स, मार्केट शेयर ग्रेनर्स एंड इनोवेटर्स. ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए लोग क्या करने वाले, इन्वेस्ट करने वाले फॉर मैक्सिमम गेन्स. ठीक है, इसके अलावा जो फंड है इसको मैनेज किसके द्वारा किया जाएगा? त्रिदीप भट्टाचार्य एंड अभिषेक गुप्ता के द्वारा. हालांकि ये तो आपसे नहीं पूछेगा, बट याद रखे रहो, कौन जाने किस्मत खराब हो तो पूछ ही लिया जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्कीम नेम्ड ऑन विथ लर्न विद एन ऑब्जेक्टिव टू आइडेंटिफाई एंड ब्रिंग बैक द ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स इन द स्कूल बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स. देखो जो त्रिपुरा गवर्नमेंट है इन्होंने लॉन्च किया एक नया स्कीम अर्न विथ लर्न. ठीक है, जिससे जो भी ड्रॉप आउट जिनका भी हुआ था कोविड के दौरान, जिन बच्चों का स्टूडेंट्स का स्कूल से, उन्हें वापस लाया जा सके. ठीक है, ये विद्यालय चलो अभियान का क्या होता है, एक पार्ट होता है. अब देखो अबाउट 8,000 स्टूडेंट्स बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 हैज ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल ड्यूरिंग द पैंडेमिक. क्या आप में से कोई भी मुझे यहाँ बता सकता है कि इस बार एजुकेशन मिनिस्टर को कितना एलोकेशन किया गया था बजट के अंदर? हमने सारी चीज़ें पढ़ चुकी है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, किसे कितना एलोकेशन किया गया था. मैं आपसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एजुकेशन मिनिस्ट्री को बजट में कितना एलोकेशन दिया गया था? हु अमंग द फॉलोइंग ग्रैंड मास्टर हैज वन जिजोन चेस मास्टर्स 2022? आर राजा, ऋत्विक, डी गुकेश, अलेक्जेंडर फियर, पेड्रो एंटोनियो जायंस या हर्षित राजा? इतना कम नहीं दिया गया था. एक आंसर मिला 1,04,000 अप्रॉक्स. देखो क्या आपसे पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि जो जिजोन चेस मास्टर्स हुआ है अभी अभी, इसमें से इंडिया, इसमें इंडिया से किसने जीता है? डी गुकेश इंडिया के हैं, इन्होंने जीता है जिजोन चेस मास्टर्स 8 points out of 9 राउंड्स. ठीक है, जी एम अलेक्जेंडर फियर ऑफ ब्राजील हैज फिनिश्ड सेकेंड विद 6.5 points. ये आपसे नहीं पूछेगा, बस आपको ये याद रखना होगा कि भारतीय कौन है जो इसमें जीते हैं, ये डी गुकेश जी हैं. या ये भी पूछा जा सकता है कि डी गुकेश किस गेम को बिलोंग करते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. एलो पॉइंट्स के बारे में शायद आप लोगों से पूछा जाए. ठीक है, खैर, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बैक द मिसेस यूनिवर्स डिवाइन क्राउन इन साउथ कोरिया 2022? ओके, तो यहाँ क्या आपसे पूछा जा रहा है कि मिसेस यूनिवर्स डिवाइन क्राउन जो है साउथ कोरिया 2022 में, ये किसको दिया गया इस बार का? अना शिरादे, जुल्दिस अब्दुल नोवा जो भी है, हनी जो, जूलिया गर्शम या पल्लवी सिंह? इन लोगों का नाम बहुत ही भयानक होता है. खैर, आपसे यहाँ पूछा गया, आई एम गेटिंग द आंसर्स एज पल्लवी सिंह. देखो
Pallavi Singh has bagged the Mrs. Universe Divine title at the finale held at Yeosu City, South Korea. कहाँ की है ये? कानपुर की. And was the only contestant from Asia in the Mrs. Universe contest. Pallavi Singh has won the title of Mrs. India held in Jaipur in 2020 and Mrs. Indo-Asia Universe in the Asia level competition. She was also awarded the Women in Insurance Award at the Indian Business Women Summit 2021. Luis Echeverria, who passed away, was a former president of which of the following countries? Cuba, Tanzania, Chile, France or Mexico? नहीं बताओगे? अभी सब बोलेंगे मैम बता तो रहे हैं. सही बात है. क्या आपसे पूछा गया है कि लुइस एशेवेरिया, इनकी अभी डेथ हुई है, ये पूर्व रह चुके कहाँ के राष्ट्रपति, ठीक है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. देखो इन लोगों का नाम बहुत वियर्ड होता है बट याद रखना बहुत ज़रूरी है. सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको फ्रॉम 1970 to 76, हैज डाइड एट द एज ऑफ 100. He also initiated the establishment of diplomatic relations with China in Feb 1972. तो ये भी याद रखे रहेगा, चाइना के साथ अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन इन्होंने शुरू कर दिया था. उसके बाद क्या हुआ है देखो. Who among the following has been appointed as new chairman and managing director of Goa Shipyard Limited? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, ठीक है? GSL यानी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बनाए गए, बताइएगा. The appointment committee of cabinet has approved the appointment of Brajesh Kumar Upadhyay as the chairman and managing director of Goa Shipyard Limited for a period of 5 years with effect from 10th of July 2022. Earlier, he was serving as director of operations within the company. He will be responsible for efficient functioning of the company. ठीक है, तो ये Goa Shipyard Limited कितना भी फास्ट करूं 9 बजे तक तो इम्पॉसिबल है खत्म होना इसका, बिकॉज वी हैव सम मोर क्वेश्चंस, अप्रॉक्स 20 मोर क्वेश्चंस वी हैव. अभी तो मैं कितनी स्पीड में करा रही हूं तब भी देख लो. खैर, RBI has approved the appointment of former RBI executive Meena Hemchandra as part-time chairman of which private bank? Kotak Mahindra, Federal Bank, Karur Vyasa, South Indian या Tamil Nadu? The answer here is ओके. मुझे आंसर्स मिल रहे हैं KVB, ऐसा मुझे आंसर्स अभी तक मिला है. देखो जो RBI है इन्होंने अभी भी अप्रूव कर दिया अपॉइंटमेंट पूर्व रह चुके RBI एग्जीक्यूटिव मीना हेमचंद्रा का पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ करूर व्यास्या बैंक फॉर 3 ईयर्स. प्रीवियसली शी वर्कड एज एन एडिशनल डायरेक्टर अंडर द इंडिपेंडेंट कैटेगरी ऑफ द बैंक. ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट अगेन. नेम द 94-year-old स्प्रिंटर हु क्लिंच्ड गोल्ड मेडल इन 100 मीटर स्प्रिंट एट 2022 वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप इन टेम्पेरे फिनलैंड, बताइएगा. यस, यहाँ आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 94-year-old स्प्रिंटर हु क्लिंच द गोल्ड मेडल इन 100 मीटर स्प्रिंट एट 2022 वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप इन टेम्पो फिनलैंड, मुझे आंसर्स क्या मिल रहे हैं? ई देखो, भगवानी देवी दागर 94 ईयर्स हैज वन द गोल्ड इन 100 मीटर स्प्रिंट एट 2022 वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप इन टेम्पो फिनलैंड. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हुआ था ये भी. ठीक है, शी हैज क्लॉक्ड 24.74 सेकेंड्स इन द 100 मीटर स्प्रिंट एंड ऑल्सो क्लिंच द ब्रॉन्ज मेडल इन द शॉर्ट पुट. She hails from Khidka village in Haryana. The World Masters Athletic Championship is an event for athletics for athletes aged 35 years and over. Which of the following organization has joined hand with Delhi government to create employment opportunities for students of Delhi Skill and Entrepreneurship University? फटाफट बता दो. चलो, it is again a very 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 easy question. कौन सी संस्था जो है दिल्ली सरकार के साथ में मिलकर के कही है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स को देगी दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के थ्रू? ये किया गया है यूनिसेफ के द्वारा. द आंसर हियर विल बी यूनिसेफ. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सेट टू इन्वेस्ट 300 करोड़ इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम? क्या पूछा जा रहा है, कौन सा इसमें से स्टेट है जो इन्वेस्ट करने वाला है 300 करोड़ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर? ऑप्शन हमें देख रहे हैं सिक्किम, उत्तर प्रदेश, मेघालय, न्यू दिल्ली या हिमाचल प्रदेश. हाँ भी देखो, चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय कॉनरेड सिंगमा हैज इनॉग्रेटेड न्यू बिल्डिंग ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग शिलोंग. ड्यूरिंग द सेरेमनी ही हैज अनाउंस दैट गवर्नमेंट हैज सेट असाइड 300 करोड़ फ्रॉम द एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट टू मेक इन्वेस्टमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम. सो द आंसर हियर विल बी व्हाट? यस, मेघालय.
Marizen Kapp, who has been named for the International Cricket Council Player of the June 2022, belongs to which of the following countries? बताइएगा कहाँ कौन से देश को belong करते हैं. The answer will be, मुझे options या मेरे options क्या है? England, South Africa, New Zealand, Australia या Bangladesh. मुझे answers मिल रहे हैं South Africa. दो answers मिले हैं. Anyone else? देखो जो ICC है इन्होंने Player of the June अभी announce किया है. Men's batter Johnny Bairstow from England. Women's batter Marizen Kapp from South Africa. Johnny Bairstow has received his title after his remarkable performance against New Zealand. ये सब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन men's और women's और कौन सी country क्या है ये थोड़ा important हो जाता है, ठीक है? Yes, the answer was South Africa. Next देखो, renowned archaeologist Enamel Haque, who has passed away, conferred with Padma Shri in which year? ठीक है, Enamel Haque अभी इनकी क्या हुई है? अभी इनकी death हुई है. इन्हें Padma Shri कौन से साल में दिया गया था? 2017, 19, 10, 20 या 21? मुझे आंसर्स मिल रहे हैं E, that is 21. ओके, देखो अगर हम बातें कर लें तो eminent archaeologist and historian Dr. Enamel Haque has been passed away in Dhaka. He became the director of museum in 1973 and served as director general of National Museum from 1983 to 91. He was conferred with Padma Shri in 2020 for his work on Bengal's iconography and terracotta art. He was awarded the Ekushe Padak in 2016 and highest civilian award of Bangladesh, Swadhinta Padak, in 2020. Who among the following is the head of task force of non-life insurance industries, which is formed by IRDAI to study issues of non-life and life insurance industries face in reinsurance support? Options देखो, Bhargav Das Gupta, Rama Mohan Rao, महेश कुमार शर्मा, नवीन दहिल यानी दीपक कुमार डे. अगर यहाँ पे बात आ जाती किसकी, अगर यहाँ पे बाई चांस बात आ जाती सेबी की, तो एक बार फिर भी कर लेते क्योंकि सेबी आए दिन कमिटीज बनाती है. यहाँ बात हो रही है IRDAI की. जो भी इश्यूज है नॉन लाइफ और लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज री इंश्योरेंस सपोर्ट के थ्रू जो भी इन्हें इशूज होते हैं वो एक ग्रुप बना रहे हैं, टास्क फोर्स है. किसके अंडर ये क्वेश्चन पूछा गया? मुझे आंसर्स मिल रहे हैं भार्गवा. ठीक है, आधा आधा नाम लिखते हो जैसे वो तुम्हारे घर के बगल में रह रहे हैं. खैर देखो, अभी अभी इन्होंने एक कमिटी बनाई है. ठीक है, अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमिटी है जरा ध्यान दीजिएगा. अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो, IRDAI has formed this two task force reinsurance support. ठीक है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस की हम बातें करें, भार्गव दास गुप्ता. ठीक है, एंड अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, इसके हेड होंगे नवीन ताहिल यानी जी की. ठीक है, इसके साथ में हाँ, एक और भी बात, जो ऑप्शंस थे ऑप्शंस को एक साथ में मैं करके दे दूंगी 1, 2, 2, 3 करके, उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा जब आप लोग पढ़ोगे सेशन के बाद में. विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन अगर आप लोग ध्यान दो, ठीक है, यहाँ आपसे क्वेश्चन भी पूछा है नॉन लाइफ एंड लाइफ दोनों चीज़ें आपसे पूछा है, और आपके ऑप्शन में नवीन तहलियानी भी दिए, ये भी दिए हुए हैं, तो यहाँ कन्फ्यूजन हो सकते हैं. तो मैं जब इसके बाद में आपको ऑप्शन दूंगी तो कंबाइन करके दे दूंगी. ठीक है, चलो. हाँ भाई चलो, Which of the following insurance company has signed an MOU with City Union Bank to offer life and health insurance solution to consumer? ठीक है, City Union Bank के साथ में मिलकर के किसने एक बैंक का इंश्योरेंस किया है? गुड मॉर्निंग, ऑप्शंस देखो. हाँ भी देखो, इसका आंसर क्या होगा? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने अभी अभी हाथ मिला लिया है किसके साथ में? सिटी यूनियन बैंक के साथ में, ताकि इनका जो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है ये बैंक के कस्टमर्स को बेच सके. ठीक है, अब जरा आप लोग ध्यान रख के रहना सभी लोग, इसी चीज़ को हम लोग क्या और कहते हैं, इसी चीज़ को हम लोग बैंक का इंश्योरेंस भी कहते हैं. यहाँ पे एक बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनीज मिलती हैं, इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट बैंक के कस्टमर्स को भी बेच सकती है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सिडियरीज ऑफ SBI has signed an MOU with Ministry of External Affairs for Trilateral Development Cooperation Fund. Option देखो, SBI Life Insurance, SBI UK Limited, SBI Cap Ventures, Global Factor, General Insurance. The answer is, हाँ भाई, यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनकी कौन सी सब्सिडियरी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ में मिलकर के ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड पे वर्क करने को कही है. ठीक है, तो ये SBI कैप वेंचर्स है, इन्होंने MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ ताकि इस्टेब्लिश करें ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड, दैट इज TDC फंड. Which pair of shooters has clinched the gold medal in 10 meter air rifle mixed team at International Shooting Sports Federation in South Korea? यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो पेयर है शूटर्स का, उन्हें गोल्ड मेडल मिला है 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम में. मुझे ऑप्शंस क्या, मुझे आंसर्स मिल रहा है सी, इजंट इट? देखो
मेहुली होश और शाहू तुषार माने, इन्हें अभी भी गोल्ड मेडल मिला है, सेकेंड गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द 10 मीटर एयर राइफल मिक्सड इवेंट एट ISSF साउथ कोरिया। इंडियन टीम डिफीटेड एस्टर मेजरूस एंड इस्टवान पेन, ये आपसे नहीं पूछेगा बट याद रखिएगा। इसके अलावा एक और चीज़ देखिएगा, अनादर इंडियन ड्यू ऑफ पलक एंड शिवा नारवाल बैग्ड ब्रॉन्ज इन द 10 मीटर एयर राइफल। तो ये तो अभी हमने देखा भी था, मिक्सड इवेंट आफ्टर डिफीटिंग कजाकिस्तान इरीना लकितियोनोवा एंड वैलेरी, ठीक है, तो इनको हरा कर इन्हें ब्रॉन्ज मिला है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेहुलू घोष और शाहू तुषार, इन्हें क्या मिला, इन्हें गोल्ड मिला है, तो ये जरा इंपॉर्टेंट हो जाएगा पॉइंट। अगला देख लो, PM Narendra Modi has participated in first ever I2U2 leaders summit virtually. Name the four countries which have conceptualized the I2U2 group. India, Iran, USA, UAE. India, Israel, USA, UAE, UK. India, Israel, UAE, USA. India, Italy, UAE, UK. India, Indonesia, USA, UAE. ये अच्छा सवाल है, मुझे आंसर्स मिल रहे हैं B, that is India, Israel, UAE, UK. UK भी है क्या इसमें, सोचो जरा। देखो जो आप लोग I2U2 देख रहे हो इसमें इंडिया इसराइल UAE USA होते हैं, ठीक है, ये आपका I2U2 होता है। और अगर हम बातें करते हैं तो अभी जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अगर हम बात करें इसकी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कब हुई थी, तो I2U2 ग्रुपिंग वॉज कॉन्सेप्चुअलाइज ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ फॉरन मिनिस्टर्स ऑफ फोर कंट्रीज हेल्ड ऑन 18th October 2021, ठीक है। अगला देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू WEF ग्लोबल जेंडर गैप। इंडिया हैज बीन रैंक 136 आउट ऑफ 146, अफगानिस्तान हैज बीन रैंक एज द वर्स्ट, फिनलैंड हैज टॉप द लिस्ट फॉलोड बाय आइसलैंड। आपसे पूछा गया कि इसमें कौन सा पॉइंट करेक्ट है, इसको तो आप लोग आराम से कर सकते हो, कल ही रात में हमने पूरी पढ़ाई की है। ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, वन एंड थ्री ऑल द स्टेटमेंट्स, व्हाट इज द आंसर? ओनली टू। देखो इसको टॉप करने वाला आइसलैंड है, ठीक है, और इंडिया की रैंक इसमें क्या थी, 135 थी। आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू। अभी इसको रिलीज किया गया किसके द्वारा, WEF के द्वारा। इंडिया की रैंक क्या है, 135, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 136 दिया, दैट इज रॉन्ग, पहले में आपका 135 होगी इनकी रैंक। दूसरा आप देख सकते हो टॉप पे आइसलैंड है आपकी, यहाँ पे आप लोग देखो टॉप पे यहाँ फिनलैंड दिया था विच इज अगेन रॉन्ग, तो इसका आंसर क्या होगा, आइसलैंड हो जाएगा। अफगानिस्तान रैंक लो, ये सही था, तो इसका आंसर होगा ओनली एंड ओनली टू, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। कल ही तो हमने पूरी पढ़ाई की थी इसके बारे में, तब भी तुम लोग भूल गए इतनी जल्दी। बैरी सिंक्लेयर हु हैज रिसेंटली पास्ड अवे वाज अ फॉर्मर कैप्टन ऑफ विश क्रिकेट टीम। बैरी सिंक्लेयर कौन सी टीम के पहले जो है कप्तान हुआ करते थे, सेशन को लाइक वाइक भी कर दो सभी लोग। फॉर्मर न्यूजीलैंड क्रिकेट कैप्टन एंड बैटर बैरी सिंक्लेयर हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 85, ठीक है, ये तो आपने देखा न्यूजीलैंड। ही वॉज द थर्ड बैटर फ्रॉम न्यूजीलैंड आफ्टर बर्ट सिटक्लिफ एंड जॉन आर रीड टू स्कोर 1000 रन इन टेस्ट क्रिकेट, ठीक है। सो ही वॉज फ्रॉम न्यूजीलैंड और इनके पास में रिकॉर्ड है कि थर्ड ऐसे बैटर थे जिन्होंने 1000 रन टेस्ट क्रिकेट में स्कोर किया था। सहभागिता, अ स्कीम वॉज लॉन्च बाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटीज गवर्नमेंट टू इंक्रीज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन इन ऑप्टिमल टैक्स कलेक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स। क्या आपसे पूछा जा रहा है, सहभागिता एक स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया कौन से स्टेट के द्वारा, जिससे जो इन्वॉल्वमेंट है रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन की ऑप्टिमल टैक्स कलेक्शन में और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। ऑप्शंस में आप लोग देख सकते हो क्या, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, न्यू दिल्ली और महाराष्ट्र। द आंसर इज, देखो दिल्ली के जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं VK सक्सेना, हु इज ऑल्सो द चीफ ऑफ KVIC, इन्होंने लॉन्च किया सहभागिता स्कीम जिससे इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जा सके रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का। अब देखो जो रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है इन्हें 15% मिलेगा टोटल कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स डेवलपमेंट वर्क इन देयर एरियाज। ऑन अचीविंग 90% टैक्स कलेक्शन फ्रॉम देयर सोसाइटीज, RWA कैन रिकमेंड डेवलपमेंट वर्क टू ट्यून ऑफ 10% ऑफ टैक्स कलेक्शन सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ 1 लाख इन देयर एरियाज। तो याद रखिएगा, हो सकता है बाई चांस आपसे पूछ ले कितनी टैक्स कलेक्शन के बाद में ये लोग ऐसे रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज साइंड एन MOU विद इंडियन मॉर्गेज गारंटी कॉरपोरेशन टू ऑफर मॉर्गेज गारंटी बैक्ड होम लोन प्रोडक्ट टू सैलरीड एंड नॉन सैलरीड कस्टमर्स। कोटक महिंद्रा, फेडरल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, RBL और HSBC, व्हाट इज द आंसर?
ओके, आपसे ये क्या पूछा गया था? देखो, इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉरपोरेशन ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया था आरबीएल बैंक के साथ में, जिससे वो ऑफर कर सके मॉर्गेज गारंटी बैक्ड होम लोन प्रोडक्ट टू सैलरीड एंड नॉन सैलरीड कस्टमर्स। ठीक है, तो ये किसके साथ में इन्होंने किया था? आरबीएल के साथ में किया था। और ये जो पार्टनरशिप है, इससे जो आरबीएल बैंक है, ये अपने मॉर्गेज गारंटी बैक्ड होम लोन्स को और बेहतर कर सकता है। ठीक है, मॉर्गेज का क्या मतलब होता है? बेसिकली वही हो जाता है, एक ऐसी कोई सिक्योरिटी जो आप लोग लोन के अगेंस्ट दे सकते हो, जो कि इमूवेबल होती है और जिसकी ओनरशिप किसके पास में होती है? जो ओनर होता है, ना कि बैंक के पास में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इनॉग्रेटेड बाल वाटिका एट द आंगनवाड़ी केंद्र अक्रॉस द स्टेट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी? आंसर एवरीवन। यहाँ से पूछा गया था, कौन से स्टेट ने इनॉग्रेट किया है बाल वाटिका एट आंगनवाड़ी केंद्र अक्रॉस द स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, मुझे सारे आंसर्स मिल रहे हैं, बीबीबी, दैट इज उत्तराखंड। देख लो जरा, उत्तराखंड जो है पहला ऐसा स्टेट बन गया हमारे देश में जिन्होंने शुरू किया प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सेंटर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 विद लॉन्च ऑफ बाल वाटिकाज एट आंगनवाड़ी सेंटर्स। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन हो जाते हैं? पुष्कर सिंह धामी। According to Nomura revised growth rate forecast for India, what would be India's GDP forecast for 2023? ध्यान से देखो, 2023 की बात आपसे कर रहा है, इंडिया की क्या GDP रेट होगी? 5.45, 7.4, 5.5, 4.7, 4.5। Yes, देखो आसान से सवाल है, easily आप लोग बता सकते हो इसे। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि नमूरा रिवाइज ग्रोथ रेट फोरकास्ट की अगर हम बात करें तो भारत की जीडीपी इन्होंने कितनी रिवाइज की है? देखो, 2023 की बात हो रही थी, तो जो नमूरा है इन्होंने 2023 की अपनी फोरकास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की कट कर दी है। ठीक है, कितनी कर दी है? 4.7 कर दी है, पहले कितनी थी? 5.4 की थी। रीज़न क्या है? ऑब्वियसली वही सब है, वॉर की वजह से जो हायर इन्फ्लेशन है, मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन किया जा रहा है, जिससे लोगों के पास में पैसे नहीं आ पाएंगे, तो डिमांड्स कम हो सकती है, प्राइसेस कम हो सकते हैं, ओवरऑल ग्रोथ भी कहा जा रहा है कि कम हो सकता है। सो द आंसर विल बी 4.7। यस, अगला, नेम द डिजिटल लेंडिंग ऐप विच वॉज लॉन्च बाई NBFC MFI आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज टू हेल्प इट्स कस्टमर्स टू मेक रीपेमेंट एंड अदर ट्रांजेक्शंस डिजिटली। बताइएगा सभी लोग, फटाफट बताते चलो सभी। ओके, तो यहां आपसे क्या पूछा गया था? डिजिटल लेंडिंग ऐप जिसको NBFC MFI माइक्रो फाइनेंस आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज ने लॉन्च किया ताकि अपने कस्टमर्स की मदद कर सके रीपेमेंट में या बाकी ट्रांजैक्शंस में डिजिटली। मुझे आंसर्स मिल रहे हैं, आप अपना आरोहन देखो, इन्होंने अभी शुरू किया है अपना आरोहन अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए। इससे जो कस्टमर्स होंगे वो रीपेमेंट कर सकते हैं, बाकी सारे भी ट्रांजैक्शंस डिजिटल मोड के थ्रू आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनीज हैज पार्टनर्ड विद कॉमन सर्विस सेंटर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन रूरल इंडिया? बताइएगा, यहाँ आपसे पूछा गया कौन सी फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी ने पार्टनरशिप किया कॉमन सर्विस सेंटर के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर, जिससे कि हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रूरल इंडिया में बढ़ाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा समस्या है, उसको कम करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। फिलहाल में किन्होंने ये MOU साइन किया है? मुझे आंसर्स क्या मिल रहे हैं? स्टार हेल्थ, स्टार हेल्थ हो गए, स्टार हेल्थ अलीड इंश्योरेंस ने पार्टनरशिप की है CSC मीटी के साथ में, ताकि लगभग 5 लाख CSCs एक्सेस दिए जा सके सिलेक्ट रेंज ऑफ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को। और इस तरीके से ये लोग क्या करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को रूरल इंडिया में बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, हाँ भाई चलो, अभी तुम लोग अगले क्वेश्चन का इंतजार कर रहे हो, अब मत करो, ठीक है, क्योंकि अभी सेशन खत्म हो गया है। ये अगर आप लोगों को PDF चाहिए होगी तो इस ग्रुप पे आ जाना, GACAY सुष्मिता मैम, यहाँ पे आप लोगों को PDF मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग चाहते हो एक्सप्लेनेशन के साथ में क्लास करना, तो डेली करंट अफेयर्स रात के 10 बजे होती है, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आप इनसे कोई भी इंटरेस्टेड है कोई भी कोर्स खरीदने के लिए, कोई सा भी टेस्ट सीरीज खरीदने के लिए, बिकॉज RRB का आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आ गया। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज चाहते हो परचेज करना, कोर्स चाहते हो, आप लोग ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म पे SUSHMITA इस कोड का यूज़ कर सकते हो, इससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। चलो अब अपना संडे वनडे मनाओ, मजे करो, जिनका पेपर है वो लोग पढ़ो, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन माय सेशन। हैव अ ग्रेट संडे, हैव अ ग्रेट डे अहेड, लव यू पीपल, जय हिंद जय भारत, गॉड ब्लेस यू।